नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 64/125 पूरे की घात में 2/3 को सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है, तो यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 64/125 पूरे की घात में 2/3। अब 64 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो 64 को हम लिख सकते हैं 4×4×4=4³। 4×4=16 और 16×4=64, मतलब 64 को हम 4³ के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 125 को 5×5×5, 5×5=25 और 25×5=125। तो इसे हम लिख सकते हैं 5³। तो घातांक रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं, ये हो जाएगा 4³/5³ और पूरे की घात में हो जाएगा यहाँ पर 2/3। अब आगे अब हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 4/5 पूरे की घात में 3, पहले अलग अलग था, अब दोनों में हम कर दिए। अब इसकी घात में पूरे की घात में है 2/3। तो घातांक का जो सूत्र होता है उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई संख्या है और उसकी घात में कोई संख्या है और फिर उसके घात में कोई संख्या है, तो दोनों जो है वो गुना में बदल जाते हैं। तो यहाँ से ये 3 कट गया और ये 3 कट गया, क्या बेटा? 4/5 की घात में 2। तो ये हो जाएगा 4×4=5×5। तो 4×4=16 और 5×5=25, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में, यही है इसका राइट आंसर। तो 64/125 पूरे की घात में 2/3 को सरल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 16/25। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।